फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोया मेथी और मूली के पत्ते की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा। इस तरह से बनाएंगी तो बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है, ये हमने मूली के पत्ते ले लिए हैं, बारीक कट कर लिए हैं, बहुत ही बारीक कट किए हैं। और यहाँ पर हमने सोया मेथी कट किया है, वो भी बहुत ही बारीक कट किया है। इसको हमने दो तीन पानी से दोनों को धुल लिया है ताकि इसमें खिसकन ना रहे। और यहाँ पर हमने आलू लिए है जिसको हमने पतले साइज में कट कर लिया है। और ये लहसुन ढेर सारा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर लिया हींग जीरा, थोड़ा सा हींग हमने ज़्यादा ली है, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये हरी मिर्च, बाकी हम थोड़े से मसाले डालेंगे। और यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ये बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, धुआं भी उठने लगा इसमें। अब हम जो ये आलू हैं इसी में हम सारी फ्राई कर लेंगे, आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। चलिए अलटते पलटते हम इसको पका लेते हैं। और यहाँ देखिए आलूओं को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल गोल्डन इनका कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। इनको हम निकाल लेंगे, ये दिखा दें आपको, बहुत ही अच्छे से ये हमने फ्राई कर ली है, ये देखिए। और इनको निकाल लेंगे हम, और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम ऑयल को कम कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस सब्जी में बहुत ही कम ऑयल लगता है, ज़्यादा ऑयल अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और यहाँ देखिए हमने ऑयल को कम कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें हींग जीरा, और इसी में हम डाल देंगे अब थोड़ा सा जीरा चटकने के बाद ये लहसुन। लहसुन भी हमने ढेर सारा लिया है, लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। और लहसुन को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन भून लेंगे। और यहाँ देखिए लहसुन भी भून चुके हैं गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सोया मेथी और ये मूली के पत्ते। बहुत अच्छी सब्जी बनकर तैयार होती है, यकीन मानिए। एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है। हम तो अक्सर बनाते हैं, सबकी हमने सोचा कि चलिए आप तक भी शेयर कर देते हैं ये सब्जी। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी ये पीसी धनिया, हल्दी यानी हल्दी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे नमक। इसमें नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो पत्ते होते हैं पत्ते पिचक जाते हैं, कम हो जाते हैं बाद में पककर, तो हम कम ही नमक डालेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा खट्टा नहीं है। चलिए इसको बहुत अच्छे से हम भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, कच्चा भी ना रहे। और यहाँ देखिए हमने मूली के पत्ते और सोया मेथी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा ढककर पकाएंगे ताकि ये कच्ची ना रह जाए। थोड़ी देर ही हम 2 मिनट करीब इसको ढककर पकाएंगे, फिर खुला पकाएंगे। चलिए 2 मिनट इसको हम ऐसे ही पका लेते हैं, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि जले ना। और यहाँ देखिए करीब 5 मिनट हमने इसको ढककर पका लिया है, अब इसको हम खुला ही पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल ये कम हो गई है, कितनी ढेर सारी हमने इसमें डाली थी।
और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ये सब्जी बहुत जल्दी बनती है झटपट से, क्योंकि आलू भी फ्राई रहती है, आलू को पकाने का कोई झंझट नहीं इसमें। चलिए इसको अलग पलट कर हम ऐसे पका लेते हैं और बिल्कुल सूख जाएगी ये, इसमें बिल्कुल पानी नहीं बचेगा। अभी तो ये पानी निकल रहा है इसमें, और जब हम पका लेंगे तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए इसका पानी सुखा लेते हैं बिल्कुल। और यहाँ देखिए हमने अच्छे से इसको सुखा लिया है, अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू जो हमने फ्राई की थी। इस तरह से सब्जी आप लोग भी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और यम्मी सब्जी बनकर मतलब बनती है, बनकर तैयार होती है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर, और हम इसको करीब 2 मिनट हम इसको ऐसे ही पलटते पलटते थोड़ा सा और वो करेंगे, पकाएंगे, ताकि जो आलू है आलू में थोड़ा सा इसका टेस्ट एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसे ही चलाइए, ये देखिए बिल्कुल सूखी सब्जी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। इसको पूरी, पराठे, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है सब्जी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार हुई है, ये देख सकते हैं आप, देखिए। और यहाँ देखिए सोया मेथी और मूली के पत्ते की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है खाने के लिए। आइए आप भी खाइए, बहुत ही चटपटी और मज़ेदार ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। अगर ये हमारी रेसिपी सोया मेथी और मूली के पत्ते की आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।